कहना बोल दो गुड मॉर्निंग। हेलो जी, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज का व्लॉग शुरू कर लेते हैं। कल मेरा कोई व्लॉग यूट्यूब पर नहीं गया क्योंकि कल मेरी कोई वीडियो बनी ही नहीं, तो आज मैं वीडियो बनानी शुरू कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने कान्हा को ही रिकॉर्ड किया है अपनी वीडियो में। तो मैं आ गई हूँ किचन में, आप भी आ जाइए, चाय पी लीजिए। नमस्ते जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गिर मत जाइए। कहना चाय पिएगा? हाँ, बिस्कुट है। बिस्कुट है, बिस्कुट है। मुझे पिंक वाला चाहिए। पिंक वाले ना? नहीं, पिंक वाले तो नहीं है। तो मैं तेरी चाय देती हूँ। आ जा, चाय तो बन चुकी है। देखिए इसमें दो भी है। चाय बन चुकी है। कान्हा चाय बिस्कुट मांग रहा है। बिस्कुट दिखा दे। लेके बस वो छालनी है। चल मैं देऊंगी, रुक जा। कटोरी में रख, इसमें रख ले अपने बिस्कुट। ऑरेंज नहीं है, ऑरेंज है। दिखा दे, मैं ऑरेंज बाउल में। ये पसंद का है। पसंद का है यो, इसकी का पसंद का। अच्छा, कलर मेरा काना उठ चुका है और काना को लगी हुई है भूख, इसलिए वो कह रहा है मुझे बिस्कुट दो मम्मी, चाय दो। दही जमाई है बाबा जी के लिए, थोड़ी सी दही जमती है। तो मैं आ चुकी हूँ कमरे में और सभी बच्चे उठकर बैठे हुए हैं। मैंने सभी को चाय बिस्कुट दे दिए हैं। हर्षित भी उठ गया है, उसको भी भूख लगी हुई है। तो आज की तारीख है 11 दिसंबर और सुबह के बजे हुए हैं 8। बच्चे उठ गए हैं, इनकी क्लास आने वाली है। 8:30 बजे बड़े बच्चों की क्लास आ जाती है, लिंक आ जाता है इनका 10 मिनट पहले। तो ये मैंने उठा दिए हैं, और कान्हा तो हमारे साथ ही उठ जाता है सबसे पहले। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में और आज हम बनाने वाले हैं मेथी और बथुए की रोटी। मेथी और बथुआ हमने कल कट करके रख लिया था, मम्मी ने ही काट दिया था दरात से, क्योंकि कल हमने साग बनाया था। साग बनाया था थोड़ा सा, और थोड़ा सा हमने सुबह के लिए रखा हुआ है, उसे हम सुबह को ही छोक लगाएंगे, क्योंकि कल हमने उसको उबाल लिया था और घोट के रख लिया था। तो अब मैं धो रही हूँ मेथी और बथुआ, उसके बाद हम इसे चून में मिलाकर मांड लेंगे और मेथी की रोटी बनाएंगे और साग को छोक लगाएंगे। साग बहुत अच्छी तरह से हमने घोट के रखा हुआ है, क्योंकि ये लोग मिक्सी का पिसा हुआ साग नहीं खाते, सिलबट्टे का पिसा हुआ नहीं खाते, घोटने से ही घुटवा कर साग खाते हैं। तो साग बनाने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है और साग बहुत देर में बनकर पूरा होता है, इसलिए मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई है। अगर आप देखना चाहते हैं कि साग यहाँ पर कैसे बनाया जाता है, तो मैं आपको बनता ही रहता है या तो दूसरे तीसरे दिन साग, मैं आपको रिकॉर्ड करके भी दिखा दूंगी। तो अब मैं धो रही हूँ मेथी और बथुए को, इसे चून में मिलाकर सूखे आटे में मिलाकर मांड लेंगे और उसके बाद बनाएंगे मेथी की रोटी और सरसों का साग। तो मैंने अच्छे से धो के इसे जाली से निचोड़ लिया है, ये जाली वाली टोकरी है, इसमें अच्छे से पानी निचड़ जाता है।
तो मैं इसको रख दूंगी। और सोबा छान रही है चून, मैं उसको देने जा रही हूँ। तो मैं साग में छौंक लगाने के लिए प्याज और लहसुन को काट कर रख लूँगी। मैं प्याज छील रही हूँ और लहसुन भी छील के रखूँगी। जब मेरा छौंक पूरा हो जाएगा तो हम साग में छौंक लगाएंगे। आपके साथ क्लिप शेयर करूँगी। देखिए हमारा चून बन चुका है और सुबह के नाश्ते की पूरी तैयारी हो चुकी है। सब नहा कर आ चुके हैं और सब खाना खाने बैठे हुए हैं। तो बहुत जल्दी मची हुई होती है सुबह को, मैंने आपसे भी बताया है। तो सुबह बना रही है सुबह का नाश्ता और दूसरी गैस पे रख दी है उसने कढ़ाई, वो भून रही है छौंक। उसने तेल गरम करके उसमें लहसुन प्याज डाल दिए हैं और वो अब इसमें साग को डाल देगी। जब हमारा साग छुक जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत टेस्टी लगता है साग, तो खाने में तो बहुत अच्छा लगता है और खाने को भी मन करता है, लेकिन मेहनत बहुत लगती है साग बनाने में। बस हमारा छौंक भुन गया है और हम कुकर में ही छौंक डाल देते हैं, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है, ज़्यादा सब्जी बनती है तो छोटी कढ़ाई है ये छौंक की, इसमें आएगा नहीं सारा। नहीं तो हम कढ़ाई में भी छौंक लेते हैं, लेकिन एक चूल्हे पर वो खाना बना रही है तो वो कढ़ाई बड़ी है, इसलिए हमने कुकर में ही छौंक डाल दिया है। और अब हमारा साग अच्छे से रजने रखा हुआ है, जब उस पर मलाई आ जाएगी, बहुत देर तक रजाना पड़ता है साग, तो हम उसे गैस पे रख के कमरे में आ चुके हैं। और हमारा काना नहा चुका है और काने हो गया है गंजा, उसके बाल काट दिए हैं तो वो बहुत नाराज है। देखो काना के बाल कट चुके हैं, तो उसे अपने बाल कटने का बहुत दुख है। वो सबसे कह रहा है कि मेरे बाल कहाँ गए, मेरे बाल कहाँ गए। तो हम उसे बहुत ज़्यादा समझा रहे हैं कि बेटे बाल तो 2-4 दिन में ही आ जाएंगे, फिर भी वो बहुत नाराज है कि मेरे बाल क्यों काटे। जब तो उसने राजी राजी में कटवा लिए, पर कटने के बाद बहुत बिचला हुआ है। मेरे बाल को आएंगे। अच्छा अच्छी कटेंगे तेरे, तो सुंदर लग रहा। सुदामा को बिगाड़ लिया। कटिंग क्यों बिगाड़ रही हो? हाँ। इतनी सुंदर कटिंग है, बाल भाई में बैठता ना। ये सुदामा नहीं है ना मेरे, क्यों आ तो गए? देख पीछे चपटी सी आ रही है, छोटी छोटी। तो मैं नहाकर आ चुकी हूँ कमरे में और हमारा सुबह का पूरा काम हो चुका है। अब दोपहर के काम की तैयारी है, तो मैंने अपने बाल तो बहाकर छल्ला डाल लिया है। और अब मैं थोड़ा सा मेकअप, वैसे तो मुझे मेकअप करने का शौक़ नहीं है, बस मैं बिंदी लिपस्टिक ही लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे क्रीम से महक बहुत ज़्यादा चढ़ती है तो उल्टी आ जाती है, इसलिए मैं क्रीम वगैरह कुछ भी नहीं लगाती हूँ। तो मैंने लगा ली है छोटी सी बिंदी और मुझे लिपस्टिक लगानी है, बस यही मेरा मेकअप है। मुझे वैसे मेकअप करना आता है, कहीं मैं शादी में बाहर या मंदिर पे जाती हूँ तो कर लेती हूँ थोड़ा बहुत मेकअप, वैसे मैं डेली में मेकअप नहीं करती हूँ, सिंपल ही रहना पसंद है मुझको। लिपस्टिक बिंदी भी सिंपल में ही आते हैं, लेकिन मैं डेली में नहीं लगाती हूँ, बस लगा रही हूँ। यूट्यूब पर वीडियो जाएगी तो सही सी लगूंगी, इसलिए लगा ली है थोड़ी सी। और मुझे भी खाना है, खाना या सिद्ध के पापा को भी खाना देना है। और बच्चों ने खाना खा लिया है दोपहर का, सोबा खाना बना रही है और मुझे अब उनको खाना देना है, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी।
बस मैं हो गई हूँ तैयार। मैं सेफ में अपना मेकअप बॉक्स रख रही हूँ, क्योंकि अगर मैं ड्रेसिंग में रख देती हूँ तो बच्चे तोड़ फोड़ कर एक मिनट में इसका कचरा बना डालेंगे। कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ते हैं। मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद ट्राईपोड भी सेफ में ही रखना पड़ता है। छोटे बच्चे हैं अभी, इन्हें पता नहीं है कौन सी चीज़ कितनी कीमती है। और हाँ, मुझे आपको एक बात बतानी है, मैं बिना टोपे ओढ़े नहीं रह सकती। मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। मैं बाल बहाने के बाद तुरंत टोपा ओढ़ती हूँ और नहाने के बाद तुरंत टोपा ओढ़ती हूँ, क्योंकि मैं बिना टोपे के रह नहीं सकती। मेरे सिर में और कानों में चीस हो जाती हैं, इसलिए मुझे टोपा ओढ़ना ही पड़ता है। तो मैं हो गई हूँ तैयार और अब आ चुकी हूँ मैं रसोई में। मैं लगा रही हूँ थाली। असित के पापा आ चुके हैं, उनको मुझे खाना देना है। तो मैंने मिर्ची का अचार रखा है थाली में। ये देखिए, हमने पिसी हुई मिर्च डाल रखी है हरी। घर पर ही डालते हैं हम अचार। जब अब की बार अचार बनाएंगे तो आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगी। तो आ जाइए, आप भी खा लीजिए सरसों का साग और मेथी की रोटी। प्लीज़ मेरी वीडियो